जय श्री कृष्णा, राधे राधे। आइए हम जानते हैं अपने जीवन में लक्ष्य को पूरा कैसे करना चाहिए। यदि आप जीवन में आगे बढ़ना चाहते हैं और सफलता को हासिल करना चाहते हो तो आपके जीवन में लक्ष्य का होना बहुत ही ज़रूरी है, क्योंकि बिना लक्ष्य के आप अपने समस्या को बर्बाद करते हैं और आप किसी भी कार्य को बेहतर ढंग से नहीं कर पाते। यदि आप अपने लिए सही लक्ष्य का निर्धारण करते हैं तो आप अपने समय का बेहतर ढंग से सदुपयोग कर सकते हुए सफलता को प्राप्त कर सकते हैं। तो दोस्तों, यदि आपने अभी तक अपने लिए कोई लक्ष्य नहीं निर्धारित किया है तो आज से ही अपने लिए एक लक्ष्य का निर्धारण करें और उस लक्ष्य को हासिल करने के लिए पूरी कोशिश करें। अगर आप अपने लिए बड़े लक्ष्य निर्धारित करते हैं तो उन लक्ष्यों को छोटे छोटे टुकड़ों के अंदर बांट लें और सबसे पहले छोटे लक्ष्य को से कार्य शुरू करें और कुछ समय बाद ही आप देखेंगे कि आप बड़े बड़े लक्ष्यों को भी आसानी से प्राप्त कर सकते हैं। चिंता छोड़े और अपने काम पर फोकस करें। यदि आप किसी भी काम को लेकर बहुत ज़्यादा चिंतित है तो आपके दिमाग में सिर्फ उस कार्य से रिलेटेड ही विचार आते रहते हैं और उसकी वजह से आप सही और गलत के अंदर फर्क नहीं कर पाते हैं, जिसकी वजह से आपके लिए सही निर्णय लेना काफ़ी मुश्किल हो जाता है और आप उस समय के अंदर अपने लिए कुछ गलत निर्णय ले लेते हैं, जिसकी वजह से आप कभी भी सफलता को हासिल नहीं कर पाते हैं। तो आप जीवन में कभी भी किसी भी कार्य को लेकर बहुत ज़्यादा चिंता नहीं करनी चाहिए। आपको सिर्फ और सिर्फ अपने लक्ष्य पर फोकस करनी चाहिए। दिल की सुने और दिमाग से कार्य करें। यदि आप जीवन के अंदर सफलता को हासिल करना चाहते हैं तो आपको एक बात हमेशा याद रखनी चाहिए कि आपको हमेशा अपने दिल की सुननी चाहिए और उस कार्य को दिमाग से करना चाहिए। जबकि बहुत से लोग दिमाग की सुनते हैं और दिल से कार्य करते हैं, जिसकी वजह से उनको हमेशा परेशानियों का सामना करना पड़ता है। जब आप अपने दिल की बात सुनते हैं और किसी भी कार्य की शुरुआत करते हैं तो आप उस कार्य के अंदर अपना 100% लगा देते हैं। और यदि आप किसी कार्य के अंदर अपना 100% लगाते हैं तो आपको एक ना एक दिन सफलता ज़रूर मिलती है। ज़्यादातर लोग दूसरों के डर की वजह से कभी भी अपने दिल की बात नहीं सुन पाते और हमेशा ऐसे कार्य करते हैं जो उनको कभी भी खुशी नहीं देते। आपको अपने दिल की सुननी चाहिए और ऐसे कार्य करने चाहिए आपको लंबे समय तक खुशी दे सके। आप सबके जीवन में बहुत सारे चैलेंज होते हैं, लेकिन अगर हम अपने अंदर की शक्ति को जान ले तो हम हर मुश्किल का सामना कर सकते हैं। जीवन एक संघर्ष है जिसमें हार और जीत दोनों होते हैं, लेकिन हार से हार नहीं मानना चाहिए। हमें हमेशा संघर्ष करते रहना चाहिए। हमें खुद पर विश्वास रखना चाहिए और हमेशा अपने लक्ष्य की तरफ बढ़ना चाहिए। हमें अपने सपनों के लिए काम करना चाहिए और हमेशा एक सकारात्मक सोच रखनी चाहिए। जीवन में कोई भी मुश्किल हो, हमें हमेशा सकारात्मक होकर समस्या का सामना करनी चाहिए। यदि हम सकारात्मक रहते हैं तो
हमेशा अपने लक्ष्य को पूरा करना चाहिए। बीता हुआ कल जीवन को समझाने का एक अच्छा मौका है और आने वाला कल जीवन को जीने का एक दूसरा मौका। अनुमान मन की कल्पना है और अनुभव जिंदगी का सबक है। सच्ची खुशी तभी होती है जब आपकी सोच, कथन और कर्म में समानता हो। जब मेहनत करने के बाद भी सपने पूरे नहीं होते तो रास्ता बदलिए, सिद्धांत नहीं, क्योंकि पेड़ भी हमेशा पत्ते बदलता है, जड़ नहीं। सफलता खुशी की चाबी नहीं है, खुशी सफलता की चाबी है। कर्म किए जाओ, फल की चिंता मत करो। इंसान नहीं उसका मन किसी का दोस्त या दुश्मन होता है। बड़प्पन वह गुण है जो पद से नहीं संस्कारों से प्राप्त होता है। आपके जीवन में कभी भी किसी से अपनी तुलना मत कीजिए। आप जैसे हैं सर्वश्रेष्ठ है। दुष्ट लोग अगर समझाने मात्र में समझ जाते तो यकीन मानो महाभारत कभी ना होते। जिसे तुम अपना समझ कर मग्न हो रहे हो, बस यही प्रसन्नता तुम्हारे दुखों का कारण है। उस इंसान का मंजिल से भटक जाना तय है जिसकी संगत से नकारात्मक लोग रहते हैं। प्रेम सदैव माफ़ी मांगना पसंद करता है और अहंकार सदैव माफ़ी सुनना पसंद करता है। परायों को अपना बनाना उतना मुश्किल नहीं जितना अपने को अपना बनाए रखना। इंसान की सोच ही उसकी सबसे बड़ी पहचान है, वरना दुनिया में एक नाम के अनेक इंसान हैं। यदि आप किसी के साथ मित्रता नहीं कर सकते हैं तो उसके साथ शत्रुता भी नहीं करनी चाहिए। धन्यवाद, आज के लिए इतना ही। मेरे वीडियो को लाइक सब्सक्राइब कीजिएगा और अच्छे अच्छे वीडियो सुनने के लिए मुझे सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।